20 टॉक्स अबाउट ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट। अभी हम लोगों ने पढ़ा था वारंट केसेस, अब हम लोग पढ़ रहे हैं समन केसेस। ओके, सेक्शन 251। सेक्शन 251 बात करता है सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन टू बी स्टेटेड। ठीक है, सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन यानी कि कौन कौन से ऑफेंसेस लेवल्ड हैं पर्टिकुलर एक्यूज पे। ओके, व्हेन इन समन केस द एक्यूज अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंस ऑफ व्हिच ही इज एक्यूज्ड शैल बी स्टेटेड टू हिम। ओके, ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और हैज एनी डिफेंस टू मेक, शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। ओके, कमिंग ऑन टू सेक्शन 252। 252 बात करता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। जैसे हमने प्रीवियस वारंट केस में पढ़ा था कि अगर एक्यूज प्लीड गिल्टी कर देता है तो मजिस्ट्रेट इफ ही थिंक्स फिट इन हिज डिस्क्रिशन उसे कन्विक्ट कर देंगे। इफ द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी द मजिस्ट्रेट देन रिकॉर्ड्स द वर्ड्स पॉसिबली इन द वर्ड्स यूज्ड बाय द एक्यूज्ड एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम। ओके, कमिंग ऑन टू सेक्शन 253। 253 बात करता है हमारा कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड इन पेटी केसेस। अगर हम लोग सेक्शन 206 बात की जाए सीआरपीसी के, तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि स्पेशल समन इशू होते हैं इनके टू द अक्यूज्ड इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस। तो उसी को रिफर करते हुए वेयर अ समन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 206 ऑफ सीआरपीसी अक्यूज्ड डिजायर्स टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज विदाउट अपियरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट He shall transmit to the magistrate through post or messenger a letter containing his plea and also the amount of fine specified in the summon. The magistrate may in his discretion convict the accused in his absence on his plea of guilty and sentence him to pay fine as defined in summon. Okay. Section 254. 254 अगर हम बात करें तो बात करता है प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। इफ मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज्ड एज पर सेक्शन 252 एंड 253 द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंसेस एज प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। जैसे हमने प्रीवियस हमने वारंट केस में जो हमने पढ़ा था द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द डिफेंस एंड टेक ऑल सच एविडेंसेस एज ही प्रोड्यूसेस इन हिज डिफेंस। द मजिस्ट्रेट इफ इट थिंक्स फिट on application of the prosecution or the accused issues summon to any witness directing him to attend or to produce any document or thing. The magistrate before summoning any witness ensures that reasonable expenses incurred by witnesses to at least attend the court proceedings be deposited in court. Okay. 255 baat karta hai acquittal or conviction ki. If the magistrate after recording evidences as referred under section 254 and finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal. Okay. Accordingly, the magistrate, after recording the evidences and examination of witnesses on oath, finds and is of the opinion that the accused is guilty for the offence, he is charged for, then the magistrate will convict him for the same. Coming on to section 257, withdrawal of complaint. If a complainant at any time before the final order, if a complainant at any time before the final order is passed in any case satisfies the magistrate that there are sufficient grounds to withdraw the complaint against the accused, if more than one accused against all or any one of the accused, the magistrate may permit him to withdraw the same. Okay, acquit the accused against whom complaint is so withdrawn. Acquit yani ki free of charges kar denge.